और इधर बागपत के बड़ौद कोतवाली में बंद एक कैदी हवालात तोड़कर फरार हो गया है। दो दिन पूर्व बड़ौद पुलिस ने फरार कैदी को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। कैदी के फरार होने के बाद पुलिस ने पूरी तरह हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी ने फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बड़ौद कोतवाली का है। दो दिन पूर्व पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना सरधना निवासी शब्बीर को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने तमीज पुत्र इमामुद्दीन निवासी ओसिका को गिरफ्तार करके दोनों के पास से भारी मात्रा में अवैध रूप से बने हथियार बरामद किए थे, जिसके बाद दोनों को हवालात में बंद कर दिया गया था। लेकिन बीती शाम शबीर पुलिस को चकमा देकर हवालात तोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आसपास काफी दबिशें दी, लेकिन फरार कैदी पुलिस के हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों ने फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित कर दी है। पुलिस का कहना है कि फरार कैदी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बुला करके थाने में रखा गया, फिर इनकी लिखा पढ़ी की गई थी, लेकिन इसमें जो साथी अपराधी साबिर करीब 3 से 4 के बीच में उसने हवालात में एक जारी लगी थी, उससे कोर्ट तोड़ के भाग गया। उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया। सर, कहाँ का रहने वाला था ये साबिर और कितने इसके आपराधिक इतिहास क्या रहा इसका? पहले भी ये शस्त्र में जेल जा चुका है। ये रहने वाला सरधना मेरठ का है और अभी 15 दिन पहले ही आ करके यहाँ ओसिका में एक व्यक्ति के यहाँ रह करके अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहा था। फिलहाल सर कुछ इस पे इनाम भी घोषित है या घोषित किया जा रहा है? इनाम घोषित किया जा रहा है इस पे गिरफ्तारी है तो। अच्छा, दूसरा सर मैं ये जानना चाहूँगा, इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आई है पुलिस की, बड़ौद कोतवाली पुलिस की, इसमें किस पे कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई होगी भी या नहीं? नहीं, कार्रवाई की जा रही है, इसकी जाँच की जा रही है किसकी लापरवाही है। जिनकी इसमें लापरवाही पाई जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।